नमस्कार दोस्तों, मेटामोर्फोसिस में मैं नागिन आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत टाइम से वेट किया जा रहा था एलटी की पोस्ट का और अभी टेंटेटिव जो डेट आई हुई है एलटी की, उसके हिसाब से मैं पहले आपको कुछ वीडियोस में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आज की वीडियो में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीजें लेके आया हूँ और साथ ही ये भी लेके आया हूँ कि कितने बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट के, और स्क्रीनिंग का जो चल रहा है लेक्चर का उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो के तीन हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं एलटी इंग्लिश वालों के लिए कुछ बताऊंगा, दूसरे हिस्से में मैं स्क्रीनिंग के बैचेस के बारे में जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। तो जो स्क्रीनिंग वाले लोग हैं वो आगे के बैच को देख सकते हैं और आगे की वीडियो को देख सकते हैं, और इंग्लिश वाले इसको शुरू से देखें तो उनको फायदा होगा। तो सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूं, जितने आपके अभी टेंटेटिव डेट है वो कोई फाइनल डेट नहीं है। दूसरा, जो पोस्ट है पोस्ट की संख्या को लेके भी अभी फाइनल कोई मत नहीं है, क्योंकि अभी हमने लोक सेवा आयोग और इधर उधर कुछ लोगों से बातें की तो पता चला कि पोस्ट कुछ और भी जुड़ सकती है, 100 से 150 पद और जुड़ सकते हैं इसमें। तो लिहाजा अभी आपको कुछ भी बहुत ज्यादा पैनिक वाले मोड में आने की जरूरत नहीं है। और सही बात तो यह है कि पैनिक वाले मोड में आप आए ही क्यों। कई लोग कहते हैं सर पोस्ट कम है, आपको एक सीट चाहिए, आप फेथफुली काम कीजिए, आपकी एक सीट आपकी है, आपको और किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए फेथफुली काम करना पड़ेगा। तो मैं एलटी इंग्लिश वालों का फिर से स्वागत करता हूँ इस वीडियो में बाकी सभी लोगों के साथ, और एलटी इंग्लिश वालों को मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि वो लोग किस तरीके से मेटामोर्फोसिस की हेल्प ले सकते हैं और किस तरीके से वो मेटामोर्फोसिस में आप अपना ज्ञानवर्धन और अपने को एक अच्छा प्लान्ड स्ट्रेटजीज के साथ इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ सकते। देखिए, सबसे पहले जो आपका एलटी का सिलेबस है वो यूके SSSC की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे ही डाउनलोड आप करेंगे तो आपके सामने होगा एक छोटा सा आधे पेज का सिलेबस, और आपको लगेगा ये सिलेबस क्या है, कहां से शुरू किया जाए और कहां से खत्म किया जाए। तो मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया, उन पॉइंट्स के हिसाब से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द सिलेबस। तो सिलेबस को आप जब वहां से डाउनलोड कर लेते हैं तो जब आपकी कोई सच्ची समझ में नहीं आती तो आपको मेरे यूट्यूब में पिछले वाले एलटी के टाइम इसी सिलेबस को एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो मिलेगा, आप उसको जरूर देखें, और एक वीडियो मैं आने वाले एक दो दिन में सिलेबस को एक्सप्लेन करते हुए डालने वाला हूं, वो भी आप जरूर देखिएगा, ये वाली प्रॉब्लम आपको बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस जो दिख रहा है उतना नहीं है, वो एक्चुअली लगभग पूरा इंग्लिश लिटरेचर कवर है, चाहे वो ड्रामा हो, नॉवल हो, पोएट्री हो, अमेरिकन लिटरेचर हो, इंडियन लिटरेचर हो, वो लगभग सारा इंग्लिश लिटरेचर कवर कर रहा है। ठीक है, अब इंटेलिजेंसी इस बात की है कि उसमें से क्या पिक किया जाए, कितना पिक किया जाए, क्या छोड़ा जाए, और उसके लिए हम उसके लिए मेंटर का रोल होता है। हम लोग डीकंस्ट्रक्शन अप्रोच में जाते हैं कि आप जनरली विकिपीडिया ऐसे पढ़ रहे हैं, एक चीज पढ़ी वो समझ में आई और गहरा जाने के नोट्स बनाने के लिए उसमें क्लिक किया और जाते चले गए, और आप इस लेवल पे घुस गए तैयारी के कि उसमें से क्वेश्चन एक नहीं आना है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा उसे कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए भी हम ऑथर्स वगैरह आपको जो है जब सिलेबस वाली वीडियो आएगी तो इंपॉर्टेंट उसमें बताऊंगा। दूसरे में आते हैं, दूसरा है हाउ टू प्रिपेयर। देखिए, प्रिपरेशन के लिए वैसे तो जब पिछला एलटी खत्म हुआ था, आपको बताऊं मेरे वहां तब से एलटी के बैच चल रहे हैं, और आपको ये बताऊंगा कि जो आपका बैच अब जो नया स्टार्ट होगा वो मेरा 7वां बैच है, और इससे पहले 6 बैच निकल चुके हैं, और अभी जो है 2-3 बैच पैरेलली चल रहे हैं केवल एलटी के। तो कई लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाए। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी में इंटेंसिटी कितनी है ये कोई भी नहीं जानता। तो अगर आप एक ईमानदार जो है पूरी नियत के साथ तैयारी अभी भी शुरू कर दें तो आप मेरे गाइडेंस के हिसाब से चलें और कहीं और की ना सुने तो आप आराम से अभी भी क्रैक कर सकते हैं। लिहाजा ये है कि कल ही कल में मेरे पास एक नया बैच फुल फ्लैश फॉर्म हो चुका है, और इसलिए आपसे कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एलटी इंग्लिश के लिए जुड़े, और आप इसको प्रिपरेशन की पूरी टेक्निक और कैसे प्रिपेयर करना है मैं बताऊंगा। हम लोग हर तरीके से आपको ट्रेन करते हैं, चाहे वो मेंटल एंड्योरेंस हो, आपके अंदर की विल पावर हो, काउंसलिंग हो, आपको जो है मेंटली बहुत बैलेंस बनाना हो वो मेडिटेशन के जरिए हो, या फिर काउंसलिंग के जरिए हो, या फिर
आपको स्ट्रॉन्ग बेस देना हो, लिटरेरी टर्म्स देना हो, बैकग्राउंड बताना हो, हमारे वहां जब भी आप इंग्लिश का कोर्स करेंगे तो ये हमारा एक कहना है कि उसके बाद आपको कहीं से भी कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एग्जाम्पल है कि केवल LT के बैच करने से लोगों ने हमारे वहां से नेट निकाला और PhD के कोर्सेज निकाले, PhD के एंट्रेंसेज निकाले। ठीक है, अब कुछ वीडियो मैं आपको बताता हूं, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो जरूर जान लें, क्योंकि कुछ गलतियां हम लोग करते हैं हर बार प्रिपरेशन में और वो हमारे नैया को डुबा देती है ठीक एग्जाम की ओर। तो ऐसी गलती इस बार ना हो। सभी लोग जानते हैं जो पहले से मुझसे जुड़े हैं कि पिछली बार एग्जाम से ठीक एक दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला और 6-7 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही वहां अपीयर हुए और 3-4 क्वेश्चन जो मैंने हिंट दिए थे उसमें से आ गए। तो टोटल मिला के 10 से 11 क्वेश्चन आपके सिर्फ मेरे पहली रात के वीडियो से आए और तो वोकैबुलरी भी ठीक वही आई जैसे मैंने बताई थी। तो लिहाजा आपको एक सजेशन दूंगा कि मेरे जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो आए उसे ना इग्नोर करें ना बहुत लाइटली लें, क्योंकि वो वेल रिसर्च वीडियो होते हैं। दूसरी सजेशन मेरा है कि एक मैंने LT का जो प्रिपरेशन के बारे में डाला है उसके अलावा एक LT का वीडियो और डाला है, वो देखिए 6 Mistakes by LT Aspirants प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर हमें मिस्टेक्स का पता तैयारी से पहले चल जाए तो हम तैयारी को एक अच्छा मोड दे सकते हैं, एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं। तो वो वाली वीडियो आप जरूर देखें और आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने ऐसा किया था उनको पता चलेगा यस हमने ये गलतियां की है, और जो लोग बिल्कुल नए हैं वो उस गलती को करने से बच जाएंगे। सो वो 6 Mistakes by LT Students या LT Aspirants वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके अलावा मेंटल एंड्योरेंस के लिए क्या क्या करना है वो भी मैं आने वाले दिनों में आपको बताने वाला हूं, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर विल पावर का खेल है। कई लोग पहले के एक महीने में जिन्होंने कई दिनों से लिटरेचर छुआ नहीं, कई सालों से, वो टूटने लगते हैं, वो सोचते हैं मेरे बस का नहीं है, सर दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई थॉट इट विल बी अ केक वॉक बट नाउ इट इज गोइंग टू बी अ हरक्यूलियन टास्क, व्हाट टू डू अबाउट इट। फिर मैं उनसे कहता हूं कि एवरीथिंग इज हियर, अगर आप सोचते हैं कि आप कर पाएंगे तो आप तब भी सही हैं, और अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर पाएंगे तो आप तब भी सही हैं। इसलिए आप ये सोचिए कि मैं कर पाऊंगा, और वो मेंटल एंड्योरेंस देने के लिए हम काउंसलिंग करते हैं और उसकी टिप्स बताते हैं, वो क्या होता है, कैसे हिम्मत तोड़ती है किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आपकी कैसी हिम्मत तोड़ता है, और कैसे हम आपको फिर से बनाते हैं एक फाइटर। तो फाइटर जो स्पिरिट है वो मेटामॉर्फोसिस में भरते हैं लोगों के अंदर, और ये हम कहने के लिए नहीं कहते, आपको हमारे YouTube पे कमेंट बताएंगे और हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ ऑलरेडी इनरोल्ड हैं वो खुली किताब की तरह आपको बता सकते हैं कि हम किस तरीके से उनके अंदर जो है दृढ़ता भरते हैं अपने एम के प्रति। तो मेंटल एंड्योरेंस के लिए क्या करना चाहिए ये भी हम लोग टाइम टू टाइम देते हैं। प्लानिंग एंड कोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको अब थोड़ा कोर्सेस के बारे में बता रहा हूं और हम कैसे कोर्सेस को दे रहे हैं और हम कैसे पढ़ा रहे हैं उसमें, तो आप जरा गौर से देखिएगा। देखिए हमारे पास दो कोर्स हैं और दोनों ही कोर्स वेटेज में और कंटेंट में बिल्कुल एक से हैं, एक है लाइव और एक है रेडीमेड। जो लाइव कोर्स है उसमें और इसमें क्या अंतर है, मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूं, कई लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, तो इसमें कोई कंटेंट वाइज देयर इज नो डिफरेंस, कंटेंट सेम, तो 100% दोनों का कंटेंट सेम है, बस डिफरेंस किसका है कि मैं टाइम कहां कंज्यूम करता हूं, मैं लाइव में डेली क्लास लेता हूं और रेडीमेड में जो मैं वो एक्चुअली ये होता है कि रेडीमेड में आपको पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस एक बार में मिल जाता है, कंप्लीट कोर्स। यहां सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, पूरे आपको MCQ PDF सारी मौजूद है, NCERT ग्रामर सब यहां भी मौजूद है। यहां मैं एक एक करके टॉपिक उठाऊंगा, यहां पूरा कोर्स आपके पास है, आप अपनी सुविधा के अनुसार 1x1 सारे टॉपिक कर सकते हैं। अब फायदा किसको किससे होने वाला है, फायदेमंद तो दोनों ही कोर्स हैं, इसमें थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा होता है, इसमें काफी कम होता है, और इसीलिए बनाया गया, कई लोग जो है वॉकिंग है और कई लोग जो है फाइनेंशियली साउंड नहीं है लेकिन वो भी इस चीज से दूर न रहे इसलिए कोर्स बनाया गया। फायदा किसको होगा, फायदा
मेरे ख्याल से जो जॉब वाले हैं जिनके पास लाइफ का टाइम नहीं है वो इसको बेहिचक खरीद सकते हैं, सेम थिंग इज देयर। और जो टाइम कंज्यूम कर सकते हैं उन्हें यहां देना चाहिए, क्योंकि हम उससे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं माइक खोल के ऑन द स्पॉट, इंटरेक्शन यहां भी हो जाता है, लेकिन यहां जब ऑन डिमांड बच्चे डिमांड करते हैं तो हम लोग उस टॉपिक पे लाइव क्लास ले लेते हैं, ठीक है। फर्क दोनों में कोई नहीं है, तो कंप्लीटली ये जो है दोनों कोर्स के बीच में डिफरेंस है, और कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस और है, ये लगभग 8 महीने के लिए आपको मिलता है, 8 मंथ वैलिडिटी, और लाइव क्लास आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। और लाइफ टाइम का मतलब हमारे वहां होता है कि एग्जाम के दिन तक, एग्जाम डे, जो एग्जाम का दिन है तब तक आपको ये पूरा कोर्स मिलता है। अगर आपका कोर्स एग्जाम से 5-6 महीने पहले भी खत्म हो गया तब भी आपको लगातार जितने चाहे बैच में आप बैठ सकते हैं, जितने टेस्ट हैं वो दे सकते हैं, जितने कोर्स हैं और जितने टेस्ट हैं और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं शुरू के, वो भी सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि बच्चे नहीं तो लूज हो जाते हैं, और हमारे वहां कॉम्पिटिशन हम बना के रखते हैं जिससे कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उसकी एट द एंड ऑफ द मोमेंट तक बरकरार है, वो बहुत जरूरी है। ये पूरा कोर्स है, और इन कोर्सेस के प्राइस और इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कॉल सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी मैनेजर को नहीं रखता, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखता जो मेरी कॉल उठाए और टाइम न दे। मैं अपने बच्चों को भरपूर टाइम देता हूं, अपने स्टूडेंट्स को। आप मेरे को कॉल करें और मैं ही कॉल उठाऊंगा और कोई नहीं उठाएगा। जो भी कंफ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरा नंबर है 7417566874, इसमें आप कर सकते हैं मुझे कॉल। और इस बात की कोई दो राय नहीं है कि पिछली बार हमारा जो है रिजल्ट टॉप मोस्ट था उत्तराखंड में, और जितनी सीट थी एलटीओ उसमें से हमने आधे से ज्यादा सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट ले गया, 58 के करीब सीट हम ले गए एलटी में लास्ट फाइनल रिजल्ट तक। और हमने कई इंटरव्यू उनके डाले हुए बच्चों के, और कई हम डाल नहीं पाए टाइम की वजह से, लेकिन आप उससे एक फील ले सकते हैं। तो आपको कोर्स के बारे में अगर पूछना हो, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं आप उनसे पूछिए, हमारे ऐप में कमेंट पढ़िए, हमारे यूट्यूब में कमेंट पढ़िए, यू विल गेट ए क्रिस्टल क्लियर आइडिया अबाउट अवर स्ट्रेटेजी, अवर डिवोशन एंड अवर लेवल एंड क्वालिटी ऑफ द कोर्स। तो आप किसी बात का ना इंतजार करें, और एंटी इंग्लिश वाले बेहिचक मुझे कॉल करना शुरू करें और जोड़ना शुरू करें। इन 2 दिनों में ही एक बैच पूरा और नया फुल हो चुका है। अब आते हैं, कुछ लोग स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग लेक्चरर, क्योंकि लेक्चरर भी बिल्कुल आने वाला है, वो भी पाइपलाइन में है। तो स्क्रीनिंग के लिए सबसे पहली बात कि हमारे वहां जो है क्वालिटी कोर्स जैसा हमारे वहां है वैसा क्वालिटी और जितना चीप है वो आपको नहीं मिलेगा लाइव। हमारे वहां 4 टीचर हैं जो चारों नेट JRF क्वालिफाइड हैं और डॉक्टरेट हैं। चारों लोग आपको 1.5-1.5 घंटे की क्लास देते हैं डेली। आपकी 3 क्लास होती हैं 1.5-1.5 घंटे की, 4.5 घंटे की। इसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम है, इसमें भी आपको रोज क्लासेस मिलती है, इसमें भी आपको 10,000 MCQ की PDF मिलती है, और PDF वन लाइनर नोट्स मिलते हैं, PDF नोट्स मिलते हैं, लेक्चर नोट्स। यहां पर आपको एक से एक बढ़िया टीचर पूरा जतन के साथ पढ़ाते हैं, रिवीजन कराते हैं। और जो लोग कर रहे हैं, इसकी जो सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमारा जो है स्क्रीनिंग का ये 3रा बैच चल निकला है, तो 3रे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। अगर 1-2 दिन की रिकॉर्डिंग छूट गई हो तो कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग आप ना 1-2 दिन की क्लास छूट गई हो तो कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। और जो भी नया शुरू होता है, जो छूट जाता है, उसमें ही आपका कंप्लीट करा देते हैं, आपको चिंता की जरूरत नहीं। हमारे वहां एक फैमिली एटमॉस्फेयर है और आप उसको पूरी तरह फील कर सकते हैं। तो आपको GS और उत्तराखंड की क्लास मिलती है मैथ्स रीजनिंग की, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी एंड हिंदी। तो इस तरीके से चारों चीजों को पूरा किया जाता है। रही बात LT साइंस वालों की, LT साइंस वाले तुरंत मुझे कॉल करें, रजिस्टर कराएं। LT साइंस सबसे पहला बैच जो शुरू हो रहा है इंग्लिश के अलावा, स्क्रीनिंग के अलावा। तो LT साइंस वालों को बेस्ट नेट JRF फैकल्टी जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और EU के टॉपर्स हैं, उनके द्वारा जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ये सब नेट JRF है। वैसे जो LT जनरल के हैं वो लोग भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री,
और ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आपको बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज ऑफ द टाउन की के द्वारा दी जा रही है। और सारे लोग हमारे वहां, बस एक चीज कॉमन है कि सारे लोग नेट JRF है जो आपको पढ़ाएंगे। और अगर मेरे को क्वालिटी टीचर नहीं मिलते हैं तो मैं कभी भी अपना कोई कोर्स शुरू नहीं करता हूं, बिकॉज इट्स अवर मोटो दैट वी ट्रांसफॉर्म पीपल एंड वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी व्हाट एवर कम्स इन अवर वे। सो दोस्तों, देर इस बात की है, आप जल्दी से जल्दी कोर्सेस में एनरोल कराइए और ज्वाइन कीजिए, और एक बार मेटामॉर्फोसिस के जो है पूरे क्वालिटी कंटेंट का भी फायदा उठाइए। थैंक यू, फिर से मिलूंगा नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।